तिरुपति बालाजी लड़ू प्रसाद संपर्क में सांघातिक तथ्य विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड़ू में पशु चर्बी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड रो चांचल्यकर खुलासा तिरुमाला तिरुपति देवस्थलम टीटीडी लड़ू तैयारी में गो चर्बी और माछ तेल व्यवहार होता स्पष्ट करछि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चर्बी व्यवहार होता प्रसाद को केवल भक्त को बंटन कर भगवान लागिकरा जमापड़ आंध्र मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का अभियोग अनुसार पूर्व वाईएसआरसीपी सरकार रे प्रभु तिरुपति प्रसाद पर लड़ू तैयारी में घी बदल पशु चर्बी व्यवहार कराउला जहाक नहीं एवं राज्य राजनीति सरगरम हो चंद्रबाबू को यह अभियोग को मिथ्या वाईएसआर कांग्रेस नेता तथा तिरुमाला मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पूर्वतन अध्यक्ष वाई वी सुब्बा रेड्डी कल जिस प्रकार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने जगन मोहन सरकार के एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया कि आस्था के हिंदू आस्था के केंद्र तिरुपति मंदिर की में दिए जाने वाले लड्डू प्रसाद के रूप में जो दिया जाता है उसमें घटिया सामग्री और पशु चर्बी का प्रयोग किया जाता है। निस्संदेह यह हिंदू आस्था का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और हिंदू आस्था पर इस प्रकार की जो चोट की गई है ये जगनमोहन सरकार की नाकामी और षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र को उजागर करती है। इस प्रकार की चोट हिंदू धर्म की आस्था को डगमगा रही है। कई हिंदी संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। बेसलेस एलिगेशंस, शॉकिंग एलिगेशंस लाइक सेइंग दैट इन टीटीडी व्हाइल वाईसीपी इज इन गवर्नेंस दे हैव डैमेज्ड द decorum and sanctity of the Tirumala Tirupati Devasthanam and they have gone to the extent of criticizing and commenting wild comments like while preparing Swamvari prasadams and laddus animal fat being used. This is ridiculous. Entire not only country, entire world, all Hindu devotees are hurt because of these comments.